मेन्यू पर डाल करके हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इस वाले हल्का सा पुश करके हम और ऑन ऑफ कर देंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं एक डिफरेंट वीडियो लेकर के आया हूँ, जो पंप रूम फायर फाइटिंग का जो पंप रूम होता है उस पर मैं लाया हूँ, उसमें उस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले पंप जो फायर फाइटिंग पैनल होता है, पंप्स का जो पैनल होता है, मेन पैनल डुअल जो स्टार्टर होता है या डुअल स्टार्टर डुअल पैनल होता है, उसका मैं पूरा डिटेल बेसिक पूरा बेसिक डिटेल बताने जा रहा हूँ, जो इलेक्ट्रीशियन और फायर अलार्म का और फायर फाइटिंग का और इलेक्ट्रीशियन को भी ये चीज़ का पूरा बेसिक पता होना चाहिए। तो मैं उसको लेकर के एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा इसमें वीडियो में पूरा डिटेल, इसका जो पैनल का जो एक्सपोजर होता है, जो पूरा पैनल का जो सारा चीज़ है, स्टार्टर और ऑन ऑफ स्विच सब जो भी है, मीटर एम मीटर क्या क्या होता है, इसमें सब मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। आप इसको पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको ज़रूर इसमें बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है, ताकि आपको आपके पैनल में जो डर होता है वो डर ख़त्म होने वाला है इसमें, कि पंप कैसे चलता है, पंप कैसे ऑटो रहता है, पंप कैसे ऑफ रहता है। तो सारा मैं इंडिकेटर वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा, तो इस पर रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं फिर फायर फाइटिंग पैनल का जो सारा डिटेल लेके आता रहूँगा, सारा बेसिक जो अंदर का जो MCB कॉन्टैक्टर रिले वगैरह जो भी होता है, वो सारा मैं उस पर वीडियो बनाते रहूँगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को फॉलो करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं पूरा नए नए कंटेंट पैनल से भी रिलेटेड, फायर फाइटिंग पैनल से भी रिलेटेड लेता रहूँ। चलिए दोस्तों वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं इसका इनकमर के बारे में समझाऊंगा, जो मेरा मेन पावर सप्लाई जब आता है इनकमर, ये मेरा एक्चुअली ये पैनल मेरा विनस का है, विनस मेक का पैनल है। और ये देखिए यहाँ पर ये आपको तीन चार एल ई डी लाइट नज़र आएगा, जिसमें से दो इलेक्ट्रिकल का है और दो DG का है। तो अभी आप देखेंगे ये DG मेरा ऑन हो रहा है, DG ऑन है अभी, DG पे चल रहा है अभी, ये DG हेल्दी। और जब DG जब यहाँ मेरा जब मोटर ऑन करेंगे तो ये DG ऑन हो जाएगा। तो ये DG पे अभी चल रहा है और ये वाला इलेक्ट्रिकल का है। ये देखिए यहाँ इनकमर है, ये इनकमर का चैम्बर से होता हुआ, इनकमर का चैम्बर है एक्चुअली, और उससे होते हुए ये इनकमर पे पूरा आ जाएगा मेरा। और यहाँ पे देखेंगे ये आपको पता होगा, जैसे कि ये जो मोटर होता है ये 3 फेज का होता है, RYB का होता है, रेड येलो फेज एंड ब्लू फेज, तो ये 3 होता है। और इसका ये वोल्ट मीटर है, ये इनकमर का वोल्ट मीटर है ये पे कितना दिखा रहा है, 418 वोल्ट अलग अलग फेज पे, तीनों लाइन पे अलग अलग वोल्टेज दिखा रहा है, लेकिन ये 400 से ऊपर रहना चाहिए, तब मोटर चलने वाला है, मोटर चलेगा, क्योंकि फिर वो ट्रिप करना शुरू कर देता है अगर वोल्टेज इसका कम होगा तो ये। और ये जो लाइट है, ये लाइट ये अलग अलग फेज का शो हो रहा है, और ये वोल्ट मीटर इनकमर वगैरह हो गया। और इसका ये ऑन यानी मेन सप्लाई को हम पूरा पैनल में अगर सप्लाई नहीं देंगे, पूरे पैनल को अगर बंद रखना चाहते हैं, सारे मोटर्स को अगर हम बंद रखना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। जैसे कि अभी मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ, ऑफ हो गया, और मेरा देखिए सारे पैनल पे पावर चला गया, सारे इस पर पंप्स के स्टार्टर पे पावर चला गया है। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ, कुछ इस तरह से ऑन होगा, थोड़ा ताकत लगता है फिर ये ऑन हो जाता है, देखिए सारा ऑन हो गया। तो ये मेन सप्लाई का ऑन ऑफ है ये वाला हैंडल। चलिए दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो चैम्बर है, ये मेन पंप का है, इस मेन पंप का है, मेन पंप मतलब मेन जो हाइड्रेंट पंप होता है, बड़ा वाला पंप उसका होता है ये। और ये इसका देख रहे हैं आप, ये एम मीटर यानी जो करंट शो होगा, कितना करंट पे चल रहा है वो शो होगा जब स्टार्ट होगा, तो ये एम मीटर है। और ये लाइट्स है, अभी पंप मेरा ऑफ है तो ये इंडिकेटर ऑफ है, इस तरह से ये जब ऑन होगा तो ये रेड जलेगा, और ये ट्रिप जब होगा तो ये ट्रिप का यहाँ शो होगा, तो हम फिर उसको जो रिसेट करना होगा, रिसेट वगैरह जो भी हम करेंगे उसको ट्रिप होने के बाद। और ये मैन्युअली स्टार्ट बटन है ऑन ऑफ करने के लिए, ये स्टार्ट का बटन है, ग्रीन वाला स्टार्ट होता है और स्टॉप रेड वाला स्टॉप होता है, थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, इस तरह से होता है ये। और दूसरा ये स्विच देख रहे हैं आप, ये स्विच ये मतलब जो भी कनेक्शन पर हम जो रेड ब्लू येलो जो भी इसका कनेक्शन पर रहता है, वो कनेक्शन का यहाँ शो होता है, तीनों फेज का
तो हमारा ये ब्लू फेज में अभी ये किया हुआ है। देखिए ये थोड़ा सा इस मुल्क का यहाँ इस इंडिकेशन है, पट्टी टाइप का ब्लू पट्टी टाइप का है, ये पट्टी से ब्लू पे ब्लू फेज पे हमारा किया हुआ है सेटिंग। जो ये फेज़ वाला बटन है, ये फेज़ वाला जिस फेज़ ये राउंडिंग के लिए मोटर जो राउंड होता है ना, ये अभी मेरा मोटर ब्लू फेज़ में राउंड होता है। अगर हमको मोटर उल्टा चलाना है तो हमको चाहे तो येलो में करना पड़ेगा या रेड में करना पड़ेगा, तो ये उसके लिए होता है ये एक्चुअली। और दूसरा ये जो मैनुअल है, ये मैनुअल इस तरह से हम इसको ये वाला लाइन को मैनुअल पे आ जाएगा, इस तरह से मैनुअल पे आ गया। अब इस तरह ऑटो में रखने के लिए हम इसको जीरो, अभी ये मेरा ऑफ है यानी मेरा पंप नहीं चलेगा इसमें, तो हम ऑटो पे रखेंगे तो इसको वन पे लाना पड़ेगा, ये वाली लाइन को वन पे ऑटो पे आ गया मेरा, ये वन पे ला करके ऑटो में आ गया ये। तो इस तरह से इसका ये ऑन ऑफ और मैनुअल करते हैं। और दूसरा ये नीचे वाला होता है, ये इसका ऑटोमेटिक और मैनुअल पे, ये स्टार्ट वाला बटन तभी हम दबाएंगे जब हमारा सेटिंग मैनुअल पे रहेगा, तभी हम स्टार्ट वाला बटन पुश करेंगे, थोड़ा सा पुश करेंगे, मैनुअल पे सेट करके पुश करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे पहले मैनुअल पुश करना है, मैनुअल बटन पे सेट करना है, तब स्टार्ट वाला बटन दबाना है। मैनुअल बटन यहाँ पे ये है, ये इस यहाँ पे आ जाएगा, ये पट्टी है ये यहाँ पे आ जाएगा। अभी मेरा पंप ऑटोमेटिक ऑटो में है, ऑटो में था तो ये ऑन हो गया था जो कि, तो ये यहाँ पे इसका सेट करेंगे तब मैनुअल चलाएंगे, तब स्टार्ट करेंगे, तो ये हो गया। दूसरा ये यहाँ पे वन पे करेंगे तो ये ऑटो में होगा, यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है, जब ये वाला घुमा करके ऑटो पे लाएंगे तब ये ऑटो हो जाएगा। इस तरह से ये इसका सेटिंग है। और पूरा पैनल पे हम सप्लाई अगर हम बंद करना चाहते हैं तो इसको ऑफ़ कर देंगे, यहाँ ऑफ है, ऑफ वाला मोड पे ले आएंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, मैं आपको ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा सारा पावर चला गया इससे। अब ऑन करता हूँ इसको, ऑन करते ही ये ऑन हो गया। तो ये इसका मेन पंप का ये सेटिंग था। अब इसी तरह मैं स्प्रिंकलर मेन पंप स्प्रिंकलर का मैं बताने जा रहा हूँ आपको। जो ये फेज़ वाला बटन है, ये फेज़ वाला जिस फेज़ ये राउंडिंग के लिए मोटर जो राउंड होता है ना, ये अभी मेरा मोटर ब्लू फेज में राउंड होता है। अगर हमको मोटर उल्टा चलाना है तो हमको चाहे तो येलो में करना पड़ेगा या रेड में करना पड़ेगा, तो ये उसके लिए होता है ये एक्चुअली। और दूसरा ये जो मैनुअल है, ये मैनुअल इस तरह से हम इसको ये वाला लाइन को मैनुअल पे आ जाएगा, इस तरह से मैनुअल पे आ गया। अब इस तरह ऑटो में रखने के लिए हम इसको जीरो, अभी ये मेरा ऑफ है यानी मेरा पंप नहीं चलेगा इसमें, तो हम ऑटो पे रखेंगे तो इसको वन पे लाना पड़ेगा, ये वाली लाइन को वन पे ऑटो पे आ गया मेरा, ये वन पे ला करके ऑटो में आ गया ये। तो इस तरह से इसका ये ऑन ऑफ और मैनुअल करते हैं। अब आगे मेरा ये स्प्रिंकलर पंप है, स्प्रिंकलर पंप का हो गया, पहले हाइड्रेंट पंप का था, अब स्प्रिंकलर मेन पंप का हो गया। स्प्रिंकलर मेन पंप का ये स्टार्टर है, इसी तरह से ये सेम ऑटो और मैनुअल, यहाँ मैनुअल मेरा हट गया, ऑटो और मैनुअल कर सकते हैं हम इसको। अभी ऑफ है, ऑफ रखे हैं। इस तरह से हमारा ये बी फेज में है अभी हमारा कनेक्शन। इस तरह से मोटर ऑफ है तो ये इंडिकेटर इसका ऑफ है। इसी तरह से स्टार्टर वगैरह है, मैनुअल करके स्टार्ट करेंगे इसको, ऑटो में रखेंगे तो ऑटोमेटिक इसका जो सेटिंग होगा जो प्रेशर पे वो ऑन हो जाएगा अपने आप। दोस्तों ये वाटर कर्टन पंप का है, वाटर कर्टन के लिए अलग से एक पंप लगाया गया है, तो ये वाटर कर्टन पंप का है। इसी तरह से सेम इसका स्टार्ट मैनुअल ऑफ और स्टार्टर बटन वगैरह होता है पीछे की तरह, मेन और हाइड्रेंट पंप और स्प्रिंकलर पंप की तरह होता है। इस तरह से ही ये इसका ऑन ऑफ से हो जाएगा, ये ऑन ऑफ। ये डीजल इंजन का पैनल है दोस्तों, ये डीजल इंजन में ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, और इसका हूटर साउंड है इसमें, उसका है इलेक्ट्रॉनिक हूटर। और ये बैटरी, अभी चार्जर के लिए बैटरी लगा हुआ है तो ये चार्जर ऑन है बैटरी का। ये प्रेशर अभी मेरा ओके है तो ये प्रेशर ओके दिखाएगा, और जब जो मोटर चलेगा तो ये सेट रनिंग पे आ जाएगा। और यही इस तरह से जो यहाँ पे मैनुअल में रख करके हम इसको स्टार्ट और जो स्टॉप का हम ये करेंगे, यूज़ करेंगे इसको इस तरह से ये। और दूसरा ऑटो में भी ये रख सकते हैं हम इसको, इसका ऑटोमेटिक के लिए है ये मीटर, ये सारा इसका इस तरह से है कुछ। अब दोस्तों ये वोल्ट मीटर है, ये एक्चुअली बैटरी का है। अभी हमारा बैटरी का वोल्टेज जो होगा यहाँ पे शो होगा, तो ये अभी मेरा बैटरी में वोल्टेज 24 वोल्ट से ऊपर है अभी मेरा बैटरी में वोल्टेज,
ये दोनों बैटरी, दो बैटरी है मेरा जुड़ा हुआ, तो दो बैटरी में, दोनों बैटरी में मेरा 24 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज है, तो यही उसका इंडिकेटर है। और वो करंट, ये वाला जो है ये करंट के लिए है, जब हमारा करंट आएगा इसमें उसके लिए होता है, ये ऑटो ऑन वगैरह के लिए। अब आगे जॉकी पंप है, जॉकी पंप का ये जॉकी पंप का ये स्प्रिंकलर पंप है, पंप वन हमारा स्प्रिंकलर पंप है, इसलिए जॉकी पंप है। इस तरह से ये भी ऑन ऑफ का है, ये ऑफ इंडिकेटर, ये ट्रिप, जब ट्रिप बटन है, ये ट्रिप होगा अंदर जब, तो ट्रिप हो यहाँ पे इंडिकेट होगा। और स्टार्टर यानी ऑटो में, स्टार्ट ऑटो में हम जब रखेंगे तो हमारा ये ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऑटो में अपने आप होता है। ये मैनुअल में रख करके ये वाले सेटिंग को मैनुअल में डाल देंगे, कुछ इस तरह से मैनुअल में डाल करके, तब हम इसको हम इस तरह से कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से स्टार्ट होता है ये मैनुअल में, मैनुअल में करके हो गया। इसके बाद ऑटो में हम इसको छोड़ देते हैं, अपने आप ये स्टार्ट होता है। इसी तरह से इसका नीचे एक जॉकी पंप ये हाइड्रेंट का है, इसका ये वोल्ट, ये एमीटर है, एमीटर इसका करंट वगैरह शो होगा इसमें, कितना होता है करंट, जो जितना पे चलेगा उतना शो होगा उसमें। और ये ऑन ऑफ, ये सब इंडिकेटर लाइट है। इस तरह से ये ऑन ऑफ का है, ये मैनुअल पे हम अगर डालेंगे इसको, मैनुअल पे डाल करके हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इस वाले हल्का सा पुश करके हम और ऑफ कर देंगे मैनुअल पे, फिर इसको हम ऑफ पे यानी मैनुअल पे रख देंगे हम इसको। इस तरह से कुछ हमारा सारा पैनल का, पूरा पैनल का ये वीडियो था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। मैं सारे वीडियो अंदर का अभी नहीं लाया हूँ, अंदर का भी आगे वीडियो डालता रहूँगा, आपका रिस्पॉन्स आएगा तो मैं अंदर का सारा पूरा जो अंदर डिटेल है, कैसे कौन कॉन्ट्रैक्टर रिले पे काम करता है, कौन इस पे काम करता है, कौन MCB क्या है, वो सारा मैं सब कुछ आगे वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के रिस्पॉन्स से। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं नए वीडियो इस पर भी लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।